मुझे मालूम है कि तुम मुझसे ज्यादा खुश नहीं हो। आप पागल हो गए हैं? मैं बंदे को लेकर आऊंगा यहीं, घर पर ही। तुम उसके साथ कर सकती हो, इससे मुझे बुरा भी नहीं लगेगा और तुम्हें भी खुशी मिल जाएगी। पक्का? हाँ। दोस्तों, जब से वेब सीरीज का ट्रेंड चला है, लोग मूवीज को भूलते जा रहे हैं। इन वेब सीरीज में हमें वो सब देखने को मिलता है जो मूवीज में नहीं होता। इन वेब सीरीज में गाली गलौज और 18+ सीन तो दिल खोलकर परोसा जाता है। आज हम आपको ऐसी इंडियन वेब सीरीज के बारे में बताएंगे जिन्हें अगर आप हिंदी वेब सीरीज कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। आराम से ठहरो, आराम से। कुछ फील हो रहा है? वो पड़ोस वाली संजना है ना भाभी, वो भैया के कमरे में जवान हो रहे हैं। जवान? नंबर वन राणा नायडू। वेब सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो ये सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है जो कि एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। सीरीज में आप देख पाएंगे एक बेटा जो कि एक पुलिस ऑफिसर है और दूसरी तरफ उसका पिता जो कि एक क्रिमिनल है और इन्हीं दोनों के वार को एक कंप्लीट सीरीज प्रेजेंट करने वाली है। वेब सीरीज रिलीज की जा रही है 10 मार्च 2023 में वो भी नेटफ्लिक्स पर। तेरे को मालूम मैं क्या करा? गोली मार के आ रहा हूँ। माय लाइफ में जो भी अच्छा बुरा किया ये फैमिली के लिए किया डैडी, लेकिन शायद जोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। नंबर टू शिकारी सीजन टू। वेब सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है 3 दोस्तों से जो कि अच्छे बुरे हर वक्त एक साथ रहते हैं, यानी कि वो क्राइम भी करते हैं तो एक साथ करते हैं और अच्छे काम भी करते हैं तो एक साथ करते हैं। लेकिन लास्ट तक इन तीनों दोस्तों का क्या अंजाम होता है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं चौपाल ओरिजिनल पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 7.4 की। नंबर तीन जानबाज हिंदुस्तान के। वेब सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक IPS ऑफिसर से जो कि एक मिस्टीरियस केस को किसी भी तरह से सॉल्व करना चाहती है, यानी कि एक टेररिस्ट एक्टिविटी को वो किसी भी तरह से फेल करना चाहती है और लास्ट तक ये IPS ऑफिसर अपना केस किस तरह से सॉल्व करती है यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस कम्प्लीट वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं G5 पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में से 7.4 की।